यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो और अब एक अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं जो कि बहराइच से आ रही है। यहाँ तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल है। हरिद्वार से सिद्धार्थ नगर जा रहे थे कुछ वाहन सवार, सीतापुर बहराइच रोड पर यह हादसा हुआ है। सर्वेश से इस पर अपडेट लेते हैं, माफ कीजिए परवेज हमारे साथ है। परवेज, तस्वीरों से साफ लग रहा है कि कितना भयंकर हादसा था, 2 महिलाओं की मौत हुई है, अभी तक क्या पुलिसिया कार्रवाई हो पाई है और घायलों की हालत फिलहाल कैसी है? देखिए ये मारी तो ये मारुति वैन जो है 10 लोगों को लेकर के हरिद्वार से सिद्धार्थ नगर जा रही थी। रास्ते में जो है तेज रफ्तार होने की वजह से ये गुलर के पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जी हाँ, तो आप बता रहे हैं उनकी स्थिति जो है इस वक्त नाजुक बनी हुई है। 2 महिलाओं की एट द स्पॉट डेथ हो चुकी है। ये तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई, आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी का बम्पर पूरी तरह से पिचका हुआ है, कितना नुकसान इस गाड़ी को पहुंचा है। हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। जानकारी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका परवेज। तो और अब एक अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं जो कि बहराइच से आ रही है। यहाँ तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हरिद्वार से सिद्धार्थ नगर जा रहे थे कुछ वाहन सवार, सीतापुर बहराइच रोड पर यह हादसा हुआ है। सर्वेश से इस पर अपडेट लेते हैं, माफ कीजिए परवेज हमारे साथ है। परवेज, तस्वीरों से साफ लग रहा है कि कितना भयंकर हादसा था, 2 महिलाओं की मौत हुई है, अभी तक क्या पुलिसिया कार्रवाई हो पाई है और घायलों की हालत फिलहाल कैसी है? देखिए ये मारी तो ये मारुति वैन जो है 10 लोगों को लेकर के हरिद्वार से सिद्धार्थ नगर जा रही थी। रास्ते में जो है तेज रफ्तार होने की वजह से ये गुलर के पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जी हाँ, तो आप बता रहे हैं उनकी स्थिति जो है इस वक्त नाजुक बनी हुई है। 2 महिलाओं की एट द स्पॉट डेथ हो चुकी है। ये तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई, आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी का बम्पर पूरी तरह से पिचका हुआ है, कितना नुकसान इस गाड़ी को पहुंचा है। हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। जानकारी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका परवेज। तो और अब एक अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं जो कि बहराइच से आ रही है। यहाँ तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हरिद्वार से सिद्धार्थ नगर जा रहे थे कुछ वाहन सवार, सीतापुर बहराइच रोड पर यह हादसा हुआ है। सर्वेश से इस पर अपडेट लेते हैं, माफ कीजिए परवेज हमारे साथ है। परवेज, तस्वीरों से साफ लग रहा है कि कितना भयंकर हादसा था, 2 महिलाओं की मौत हुई है, अभी तक क्या पुलिसिया कार्रवाई हो पाई है और घायलों की हालत फिलहाल कैसी है? देखिए ये मारी तो ये मारुति वैन जो है 10 लोगों को लेकर के हरिद्वार से सिद्धार्थ नगर जा रही थी। रास्ते में जो है तेज रफ्तार होने की वजह से ये गुलर के पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जी हाँ, तो आप बता रहे हैं उनकी स्थिति जो है इस वक्त नाजुक बनी हुई है। 2 महिलाओं की एट द स्पॉट डेथ हो चुकी है। ये तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई, आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी का बम्पर पूरी तरह से पिचका हुआ है, कितना नुकसान इस गाड़ी को पहुंचा है। हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। जानकारी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका परवेज। तो और अब एक अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं जो कि बहराइच से आ रही है। यहाँ तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हरिद्वार से सिद्धार्थ नगर जा रहे थे कुछ वाहन सवार, सीतापुर बहराइच रोड पर यह हादसा हुआ है। सर्वेश से इस पर अपडेट लेते हैं, माफ कीजिए परवेज हमारे साथ है। परवेज, तस्वीरों से साफ लग रहा है कि कितना भयंकर हादसा था, 2 महिलाओं की मौत हुई है, अभी तक क्या पुलिसिया कार्रवाई हो पाई है और घायलों की हालत फिलहाल कैसी है? देखिए ये मारी तो ये मारुति वैन जो है 10 लोगों को लेकर के हरिद्वार से सिद्धार्थ नगर जा रही थी। रास्ते में जो है तेज रफ्तार होने की वजह से ये गुलर के पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।
जी हाँ, तो आप बता रहे हैं उनकी स्थिति जो है इस वक्त नाजुक बनी हुई है। दो महिलाओं की एट द स्पॉट डेथ हो चुकी है। ये तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई। आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी का बम्पर पूरी तरह से पिचका हुआ है, कितना नुकसान इस गाड़ी को पहुंचा है। हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। जानकारी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका परवेश।